जी दो परिवार की लड़ाई थी जी, अरे इसमें पूरे बगड़ का बहिष्कार कर दिया जी। जी दुकान दुकुना पर हमारा सारा दूध पानी सब बंद है। बहिष्कार में हमसे जो रिलेशन रखेगा या कोई टच में आएगा हमारे, चाहे किराना की दुकानदार हो, उन पे 11,000 रुपए का पंचायती दंड लगाया जाएगा। इस तरह कोई बात नहीं है, मतलब के गांव में किसी का, किसी व्यक्ति विशेष या किसी जाति विशेष का कोई समाज के बहिष्कार किया गया हो। एक आठ को मेरा ये चबूतरे पे कुछ जाट समुदाय के लड़के ड्रिंक करके गाली गलौज कर रहे थे, उनके साथ मेरा ये कुछ झगड़ा हुआ था। उन्होंने मेरे को अभद्र शब्द बोला था। उस झगड़े में सचिन और एक मैं था। सचिन से प्रेशर दे के गाँव वालों ने प्रेशर दे के उससे समझौता करवा लिया था इस चेक में, लेकिन मैंने नहीं किया था। तो मैं सुबह एप्लीकेशन दिया उचाणा थाना में। उसके बाद ये मेरे घर पर पंचायत लेके आए। पंचायत लेके आने के बाद इन्होंने मेरे ऊपर फैसले के ऊपर प्रेशर देना शुरू किया। तो बगड़ वालों ने बोला भाई गांव का मैटर है देख लो। तो मैंने इनको 2 दिन का प्रपोजल दिया, चलो 2 दिन में मैं कुछ सोचता हूँ फैसले के लिए, पॉजिटिव या नेगेटिव जो कुछ रिपोर्ट होगी। तो उसके बाद इन्होंने मेरे को बार बार टॉर्चर करते रहे फैसले के लिए। मेरे ऊपर कॉल भरी, रिकॉर्डिंग गाली देते रहे, मेरे को फ़ोन करके धमकी देते रहे, घर पे आके धमकी देते रहे। ईश्वर है जो सरपंच है पूरा जी। दो परिवार की लड़ाई थी जी, अरे इसमें पूरे बगड़ का बहिष्कार कर दिया जी। खेता में नहीं जा सकती जी, भैंस थी जिसका घास चारा नहीं ले सके थी, वो सब बंद हो गए। किसी ने अपनी भैंस रिश्तेदार में पहुँचा दी, किसी ने अपना बेच दी, किसी की मतलब कम पैसा में बेच दी। लड़की हमारी 12वीं में है, 11वीं में है, वह घर पर बैठी हैं, हम स्कूल में नहीं भेज सकते। दुकान दुकुना पर हमारा सारा दूध पानी सब बंद है। वो अंडा में जाऊँ उठे जाकर डाट गया मैं, अकबर इंच राशन नहीं देना। इधर आकर ना वो अदब पर भाषण टिप्पणियाँ, इतनी गंदी गंदी गालियाँ दी हमारे समाज के लोगों को, पूरे गुरमीत गुरमीत के परिवार को भी दिया और हमारे मोहल्लों को भी दिया। बहिष्कार में हमसे जो रिलेशन रखेगा या कोई टच में आएगा हमारे, चाहे किराना की दुकानदार हो या दूध की डायरी की बात हो या किसी भी प्रकार की, या गाड़ी व्हीकलों में जो इनके व्हीकल चलते हैं रोड पर, टैक्सी वगैरह, उनमें बैठने के लिए जो इनको बिठाएगा उन पर 11,000 रुपए का पंचायती दंड लगाया जाएगा। और इंदले का बंदी कर दी मारी चुच्चे बच्चा की, बाहर लेकर पाते डांग डोर मारे भुखे उत्ते चाहे। और सगुनो गुआढ़िया का पास चुगन लग गया ना, उन्हें भी रोका, गुआढ़िया ने भी जज जाकर कहा भी मारा काम क्या ना बढ़न ना दियो। ये जी हमने तो सामान दिया है जी, 2 दिन हमने दुकान ही बंद रखी जिस दिन ये होया है, और फिर हमने सामान दिया जी। मेरे पास कैमरे हैं, कैमरे में देख लो आप। किसी भी पंचायत ने या किसी व्यक्ति ने, किसी व्यक्ति का किसी जाति विशेष का कोई सामाजिक बहिष्कार ने, दो लड़कों का आपस में थोड़ा सा आपस की कहा सुनी हुई थी उस मामले में पंचायत हुई थी, जिसमें मतलब के शिकायतकर्ता ने
कोई मतलब के पंचायत में आने से इनकार कर दिया था और अपने अपने पंचायत अपने अपने घर चली गई थी। किसी ने कोई भी किसी का सामाजिक बहिष्कार नहीं किया। 15 आदमी तो आज हम आपको दिखा देते हैं जहाँ जो जा रहे हैं जो बिल्कुल जो पहले भी जाते थे काम पे मजदूरी करते थे और आज भी हैं। इस तरह की कोई बात नहीं है अभी मतलब के गाँव में किसी का किसी व्यक्ति विशेष या किसी जाति विशेष का कोई सामाजिक बहिष्कार किया गया हो। इनके समाज के कितने लोग काम कर रहे हैं, खेतों में भी काम कर रहे हैं, चिनाई पे भी, मजदूरी में भी, मिस्त्री भी, जो भी हर तरह से मतलब बिल्कुल प्रॉपर जैसे चलता गांव में ऐसे ही चलता रहा, कोई ऐसी बात ही नहीं। गांव में चारों तरफ नंबरदार एक वाल्मीकि बस्ती है, उसका निरीक्षण करेंगे और गांव के चारों तरफ जो मेन मेन वो है उनमें घूम के उसके बाद मैं इसके बारे में कुछ बता पाऊँ। फिलहाल स्थिति कोई तनाव की कोई स्थिति नहीं है, सामान्य है। पुलिस की सिक्योरिटी दी गई है, यहाँ मौके पर पुलिस है, दो शिफ्टों में है 12 घंटे एक पार्टी ड्यूटी देती है, 12 घंटे दूसरी पार्टी। अन्याय किसी को नहीं हो किसी के साथ नहीं होगा, मैं विश्वास दिलाता हूँ प्रशासन की तरफ से सभी को सभी सुविधाएं मिलेंगी। ये उन अधिकारियों के भी नोटिस में ले दिया जाएगा, कोई भी दिक्कत होगी वो नहीं रहने दी जाएगी किसी की भी।